नेक्स्ट फार्मूला हम रोमन का डिस्कस करने जा रहे हैं। रोमन के फार्मूले का जो मेन मकसद है वो न्यूमेरिकल लेटर्स या न्यूमेरिक वैल्यू को रोमन के अंदर कन्वर्ट करना है। फार्मूले को हम लिख लेते हैं। लाइक मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं मेरे पास जिनको मैं रोमन के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल्स टू रोमन, देन ब्रैकेट ओपन। रोमन के अंदर सबसे पहले कहता है नंबर को रेंज में दे दे, हमने नंबर को रेंज में दिया। कहता है फॉर्म बता दें, फॉर्म यहां पर डिफाइन करने की नीड नहीं है। फाइनली हम इंटर कर रहे हैं, वन का रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम टू थ्री फोर को भी यहां पर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त मैं डबल क्लिक कर रहा हूं और तमाम वैल्यू का आउटपुट देख सकता हूं। आप देखिए रोमन ने तमाम न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रोमन जो सपोर्ट करता है मैक्सिमम वो 3999 की वैल्यू को सपोर्ट करता है। अगर आप 3999 से बड़ी कोई वैल्यू यहां टाइप करेंगे तो रोमन के अंदर कंप्यूटर उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये बेस्ट कमांड रोमन की जिसके जरिए हम रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हम स्मॉल का डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉल के फार्मूले को लिए छोटी सी डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं। स्मॉल का फार्मूला बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू सर्च करने में हमारी मदद करेगा। तो मैं कुछ वैल्यूज टाइप कर लेता हूं, लाइक मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जिसको मैं सबसे पहले डाटा के टैब में जाकर सॉर्ट कर लेता हूं। देन उसके बाद अब मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू सर्च करनी है, तो टेक्स्ट पहले टाइप कर लेंगे। फार्मूला इस्तेमाल होगा इक्वल्स टू स्मॉल देन ब्रैकेट ओपन। स्मॉल के फार्मूले में ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें कहता है एरे बताइए, यानी अपनी डेटाबेस बताइए। तो हमने अपनी डेटाबेस में से तमाम न्यूमेरिकल वैल्यू को रेंज में ले लिया। देन उसके बाद कॉमा, और अब हमें इसमें से सबसे छोटी वैल्यू चूंकि देखनी है तो इसलिए हम की के अंदर वन प्रेस करते हैं और एंटर करते हैं। आप देखें इन वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू थी 120 रुपीस वो हमारे पास आ गई। इसी तरह से अब सेकंड लोएस्ट वैल्यू हमें देखनी है, हम टाइप कर लेते हैं सेकंड वैल्यू और हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और हमने अपनी डेटाबेस को रेंज पे दिया कॉमा, और हमें सेकंड लोएस्ट वैल्यू लाइक टू हमने टाइप किया और इंटर किया। इस तरह से हम अपनी आसान और छोटी वैल्यू को आसानी से सर्च कर सकते हैं।